हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 75 क्वेश्चन सीरीज जो सारे बायोलॉजी के हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसके असामान्य वृद्धि है? क्वेश्चन नंबर वन, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसके असामान्य वृद्धि है? पहला ऑप्शन लाल रक्त कोशिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं, तीसरा रक्त पट्टिकाणु, चौथा रक्त प्लाज्मा। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर टू होगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं। सेकेंड क्वेश्चन, कॉर्ड निम्न में से किस्म है? बकरी, दूसरा मछली, तीसरा फसल, चौथा प्रवाल। इसमें होगा कॉर्ड मछली की किस्म होती है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? काफी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है एक ही पौधे के बहुत सारे बीजों से, दूसरा ऑप्शन है तने काटकर, तीसरा ऑप्शन है उत्तक संवर्धन तकनीक से, चौथा है जल संवर्धन विधि से। इसका आंसर होगा उत्तक संवर्धन विधि से। उत्तक संवर्धन विधि से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है? वैसे कर्मचारियों में जो कागज उद्योग में लगे हुए हैं, दूसरा सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, तीसरा कपास उद्योग के कर्मचारियों में, चौथा पीड़क नाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी, टू, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। पांचवा देखते हैं, ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न निम्न की कमी से होता है। किसी कमी से ग्वाइटर या थायराइड ग्रंथि अस्वाभाविक वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा लौह, तीसरा कैल्शियम, चौथा है पोटेशियम। इसका आंसर होगा आयोडीन। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या थायराइड ग्रंथि अस्वाभाविक वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला पुणे, दिल्ली, नागपुर, चेन्नई। तो इसका आंसर होगा नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं, सेवन नंबर क्वेश्चन, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? इसे क्या कहते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में उपजते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट, सक्यूलेंट। तो इसका होगा हैलोफाइट। जीरोफाइट होता है जो रेगिस्तान में उगते हैं, हाइड्रोफाइट जो होता है नमी युक्त जो पौधे होते हैं वो हाइड्रोफाइट होते हैं, हैलोफाइट होते हैं जो नमक मिट्टी में उगते हैं वो होते हैं हैलोफाइट। तो इसका आंसर होगा थ्री, हैलोफाइट। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी पहला ऑप्शन है जीवाणुओं का अध्ययन, फसलों का अध्ययन, सॉरी, कोशिकाओं का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन। तो साइटोलॉजी में होता है कोशिकाओं का अध्ययन ठीक है। देखते हैं, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिक और विसरण। तो इसका आंसर होगा आनुवांशिक और
विचरण, आंसर होगा अनुवांशिक और विचरण। नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूण एम्ब्रोआ किससे किसमें मिलता है, फूल में, पान में, बीज में, कली में, इसका आंसर होगा बीज। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, जीन के मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, पहला देखते हैं जीन के समिश्रण से, दूसरा क्रोमोसोम के बदलाव से, तीसरा जीन के मिश्रण से, चौथा उपयुक्त सभी, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट, संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर कैसे जाता है, फ्लोएम टिश्यू, पेरिकाइम टिश्यू, मेरिस्टेम और जाइलम टिश्यू, तो इसका आंसर होगा जाइलम टिश्यू, जाइलम के द्वारा पानी ऊपर जाता है पौधे के हर एक भागों में, पत्तियों में और शाखाओं में, जाइलम टिश्यू के द्वारा ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, पहला कायिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन, पहला कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन और चौथा उपयुक्त सभी, इसमें होगा लैंगिक जनन। मेंडल के आनुवंशिक सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर आधारित है, लैंगिक जनन। अब आते हैं नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, 60%, 70%, 80%, 90%, इसका आंसर होगा 90%। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, ये ऑप्शन, निम्न में कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली त्वचा से सांस नहीं लेती है, कबूतर भी नहीं लेता, तिलचट्टा भी नहीं लेता है, मेंढक होगा, मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। रक्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त क्या होता है, पहला ऑप्शन है रक्त एक संयोजी उत्तक है, रक्त एक उपकलित उत्तक है, दोनों होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा रक्त एक संयोजी उत्तक है। इंसुलिन अंतःस्राव क्या है, ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है, एस्टेरॉल है, इसका ऑप्शन आंसर होगा पेप्टाइड है, इंसुलिन अंतःस्राव क्या है तो पेप्टाइड है। 18 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है, निम्नलिखित में कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है, आम, पपीता, आंवला, बेर, इसका ऑप्शन होगा आंवला। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी के कमी से, स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी के कमी से होता है, ठीक है, इसका उपचार है आंवला, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का, हार्मोन का, तो विटामिन ए का नहीं होता, विटामिन ए का, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगते हैं, प्रकाश संश्लेषण में होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, पहला ऑप्शन न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, पेरोक्सिसोम में, इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट में, प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना पोटी लेना चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम, 45 ग्राम। आंसर होगा 45 ग्राम। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? वायरस के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के, उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा वायरस द्वारा। वायरस द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एड्स होता है किससे? जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से, विषाणु से? विषाणु से। इसका आंसर होगा विषाणु से। अब देखते हैं, एनोसमिया कहते हैं, एनोसमिया किसे कहते हैं? संवाद संवेदना की कमी को, ग्रहण संवेदना की कमी को, या स्पर्श संवेदना की कमी को, उष्ण संवेदना की कमी को? होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रहण संवेदना की कमी को एनोसमिया कहते हैं। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? पहला है फिल्म, लेंस, शटर, आवरण। ठीक है, इसका आंसर होगा फिल्म। 25 क्वेश्चन पूरे हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।